इस समय हम खड़े हैं विद्युत उपकेंद्र हर गांव पर, जहां पर जो है हड़ताल का असर अब दिखाई पड़ने लगा है। क्योंकि आपको बता दें कि 3 दिनों से विद्युत व्यवस्था निर्बाध रूप से चल रही थी यहां पर, लेकिन आज हल्की बरसात और हल्की हवा चलने पर जो लहरपुर से हर गांव के लिए 33,000 की लाइन आती है वो आज कहीं फॉल्ट में आ गई और ब्रेक हो गई है, जिससे यहाँ पर पूरा क्षेत्र नगर व पूरा हर गांव क्षेत्र जो है वो अंधेरे में डूब गया है। आपको बता दें कि यहाँ पर जैसे ही ये खबर पहुँचती है प्रशासन के पास, तो यहाँ पर SDM सदर और CO सदर और थानाध्यक्ष हर गांव यहाँ मौके पर आ जाते हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर जिनकी प्रशासन द्वारा ड्यूटी लगाई गई है वो खंड शिक्षा अधिकारी भरतलाल वर्मा हैं। तो फिर उनको यहाँ से SDM साहब निर्देशित करते हैं कि आप जाइए और लहरपुर फीडर से लाइन कटवाइए, और यहाँ पर थानाध्यक्ष हर गांव जो है व्यवस्था कर रहे हैं लाइन को ठीक करवाने के लिए। फिलहाल इस समय जो है 5 घंटे से लाइट कटी हुई है, और जब तक विद्युत लाइन यहाँ पर 33,000 की लाइन ठीक नहीं हो जाती है तब तक जो है पूरा क्षेत्र अंधेरे में रहेगा। और आपको बता दें कि विद्युत कर्मचारियों की हड़ताल का ये असर है कि यहाँ पर कोई कर्मचारी नहीं है, प्रशासनिक अधिकारी ही यहाँ जो है मोर्चा संभाले हुए हैं और पूरा प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से यहाँ की लाइन बहाल की जा सके। फिलहाल बड़ी फॉल्ट आई है या छोटी फॉल्ट आई है, पेट्रोलिंग की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन जब तक लाइन नहीं सुधरेगी तब तक हर गांव क्षेत्र जो है हर गांव क्षेत्र को विद्युत आपूर्ति नहीं हो पाएगी। फिलहाल हर गांव से आई इंडिया के लिए अनूप रस्तोगी की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।